दोस्तों, ओट्स आजकल काफ़ी ज़्यादा लोगों में बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत लोग इसे खा रहे हैं। अब दोस्तों, इसके इतने ज़्यादा फायदे हैं, इसीलिए ज़्यादातर लोग इसे वेट गेन के लिए, वेट लॉस के लिए, और दोस्तों अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं तब भी ये बहुत ही बढ़िया डाइट है और ज़्यादातर लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। मैं भी काफ़ी टाइम से इसे मॉर्निंग में यूज़ कर रहा हूँ। इनकी डाइट में अगर आपकी फाइबर सही से नहीं मिल पा रहा है आपको सही से, तो आप अगर इसे मॉर्निंग में या पूरे दिन के किसी भी टाइम में आप इसे ले लेते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फाइबर होता है, जिससे कि आपकी फाइबर की काफ़ी हद तक रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, आपको भूख खुलकर लगती है और साथ में आपका डाइजेशन सही रहता है। तो फाइबर की अगर कमी आपकी बॉडी में होती है तो आपको जो डाइजेशन होता है वो भी सही से नहीं होता है और साथ में आपको भूख भी इतनी खुलकर नहीं लगती है। तो आप ऐसी चीज़ें ज़रूर ऐड करें जिनमें कि फाइबर होता है। एक वीडियो मैंने बनाई थी कि ओट्स खाकर आप अपना वज़न कैसे बढ़ाएं। अब दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा लोग ओट्स से वज़न घटाना चाहते हैं, कुछ लोग ओट्स से वज़न बढ़ाना चाहते हैं, तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरीके से आप ओट्स खाकर ओट्स को किस तरीके से आपको पकाना है और उसमें क्या क्या ऐड करना है जिससे कि आपका वेट बहुत ही जल्दी गेन हो, साथ में वो हाई कैलोरी मील बन जाए। तो उसमें क्या क्या ऐड करा था आपने, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा प्यार मिल रहा है लोगों का। तो उसमें एक कमेंट आया था कि ओट्स को ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेना है तो कितनी देर पकाना चाहिए। तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप कितनी देर ओट्स को पकाएं जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। दोस्तों, मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बता रहा हूं, जैसे कि साबुत अनाज होता है आपका गेहूं, और अगर आपने गेहूं का अगर आप दलिया बनाते हैं तो गेहूं काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, आप उसे भून लेते हैं तब भी वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहता है, अगर वो सही से बॉइल्ड ना हो तो वो काफ़ी ज़्यादा कच्चा रहता है और वो आपके बॉडी में सही से डाइजेस्ट नहीं होगा। अब अगर बात करें हम ओट्स की, तो ओट्स को आपने देखा होगा अगर आप उसे सिंपल गर्म दूध में भी डाल देंगे तो कुछ टाइम बाद वो बहुत ही आसानी से उसमें घुल जाएगा, मतलब वो इतना कच्चा नहीं रह जाएगा कि आपकी बॉडी में डाइजेस्ट ना हो। पर फिर भी मैंने बताया था ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए, वो इतना ज़्यादा उसमें सही से फूल नहीं पाता है जितना कि अगर आप थोड़ा सा उसे बॉइल कर लेंगे थोड़ा से पानी में। मैंने बताया था कि आप थोड़ा सा पानी लें और उसमें ओट्स डालकर बहुत ही हल्की आंच पर सिर्फ कुछ मिनट के लिए उसे बॉइल करें, जिससे कि बस वो पानी उसमें मिल जाए और वो ज़्यादा पके भी नहीं, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा पकने के बाद कोई सा भी फूड हो उसमें वो न्यूट्रिशन नहीं रहते हैं जो कि उसमें पहले थे, तो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन इसके कम हो जाते हैं। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा खाने की ही कोशिश करें, तो इसलिए मैंने इसे ज़्यादा नहीं पकाया है और बिल्कुल कच्चा भी नहीं खाएं जो कि डाइजेशन में आपको प्रॉब्लम करे। तो बहुत ही कम टाइम तक मैंने आपको बताया इसे, ये पानी में मिक्स हो गया, सही से फूल गया, तो इसकी क्वांटिटी बढ़िया से हो जाती है और ये बहुत ही इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, टेस्टी भी लगता है आप खाने में, क्योंकि जो कच्चे में आपको टेस्ट आता है वो पके हुए में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसलिए ये बहुत ही बढ़िया आपको लगेगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको इसे कितनी देर पकाना चाहिए और बहुत ही मैंने आसानी से आपको समझाया है, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फिर भी अगर कुछ कमेंट रह जाता है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को प्यार देने के लिए धन्यवाद, और उस वीडियो को देखना ना भूलें, उस पर काफ़ी ज़्यादा प्यार मिल रहा है। और ओट्स से वज़न घटता है या वज़न बढ़ता है तो वेट लॉस की एक प्लेलिस्ट है, उस पर क्लिक करके आप इस टॉपिक पर एक वीडियो बनी हुई है आप उसे देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा वेट लॉस होता है इससे या वेट गेन होता है, तो वो एक अलग ही मैटर है, आप उसे देख लीजिए, ज़्यादा कन्फ्यूजन में ना रहिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बनाइए। जय श्री राम।